शारदा और निपुण भारत सामर्थ्य भारत शिक्षा अभियान तहत बेटियों को शिक्षित करने की सरकार की मंशा पूरी तरह कामयाब हो रही है। बेटियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित न रखा जा सके, इसके लिए सरकार व उसके सहयोग से अनेकों सामाजिक संस्थान काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा सहयोग से टीम बालिका प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण दिलाकर उनको अपने अपने गाँव भेजा जा रहा है। गाँवों में प्रशिक्षित महिलाएं बच्चियों को विद्यालय में एडमिशन करवा रही है ताकि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके। उन्नाव जनपद के कई ब्लॉकों से आई लड़कियों और महिलाओं ने बच्चों को व माता पिता को किस प्रकार शिक्षा के प्रति जागरूक करना है इसका प्रशिक्षण दिया ताकि वो अपने गांव या शहर के कस्बों में जाकर जो गरीब हो उनके साथ अथवा किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे उनको जागरूक कर उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जाए और पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा हो। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी हाल में कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित न रह पाए, इसके लिए सरकार ने कॉपी किताबों से लेकर स्कूल की ड्रेस आदि सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को प्रदान की है। गवर्नमेंट का भी यही प्रयास चल रहा है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, जिसके लिए अभी हमारी संस्था द्वारा भी जैसे कि टीम बालिकाएं हैं हमारी, तो उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जो भी हमारी ये टीम बालिका साथी जिस गांव से जुड़ी है उस गांव में उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है निरंतर, और इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। और बाकी मुझे विश्वास है कि जो हमारे ये प्रशिक्षण हुआ है उसके माध्यम से उन सभी को हम स्कूल से जोड़ पाएंगे, तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को और हमारी संस्था को सर धन्यवाद करता हूँ। टीम बालिका के तहत कार्य कर रहा हूँ एज ए टीम बालिका, जो गांव के ऐसे बच्चों का चिन्हित करती है जैसे जो स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं या जो लोग जिनके माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं। सरकार की मंशा है कि सारे बच्चे पढ़ें और आगे पढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान चलाया सरकार ने, बहुत मतलब लोगों को जागरूक किया, उसके बावजूद भी बच्चों को गांव के लोग बहुत सारे ऐसे कुरीतियों के कारण नहीं भेजना चाहते हैं, खासकर लड़कियों को, जिसके लिए हम लोग वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार इतना शिक्षा को लेके जो है वो आगे बढ़ा रही है लेकिन फिर इसमें अधूरी रह जाए, तो हम लोग उसका सर को स्कूल में शिक्षा का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को जो है गांव में जा जा के समझा के बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं, स्कूल में शिक्षा पूरी करवा रहे हैं, और सरकार को मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें मेरा सपोर्ट है।